Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. So in this lecture I am going to discuss about the female lecturer economics paper which was held on 4th July. So इसमें हम जो just general knowledge का portion है वो discuss करेंगे. So without wasting any time फिर करते हैं आज का lecture. जो first question है वो है the emergence of Pakistan is a book written by the Chaudhry Muhammad Ali. ये इसका right answer था, emergence of Pakistan is written by Chaudhry Muhammad Ali. Next is the novel का नाम बताना था, बानो फुस्सिया का जो novel था उसका नाम बताना था. So Raja Gidd, ये इसका right answer था. Raja Gidd is a novel written by the बानो फुस्सिया. Next question, largest plastic producer in the world. So उसका जो right answer था वो था Coca-Cola. Coca-Cola is the largest plastic producer in the world. सो नंबर वन पे कोका कोला, फिर पेप्सी को है, देन नेस्ले है. सो कोका कोला ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी पॉजिटिव ओड नंबर इन फर्स्ट 10 नंबर्स आर दी 1, 3, 5, 7, 9. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी ओपन द बुक डैश दिस पेज. सो इसका जो राइट आंसर था वो था एट दिस पेज. ओपन द बुक एट दिस पेज. नेक्स्ट वन इज दी ये उर्दू का क्वेश्चन था, वो कौन से पोइट हैं जो फिल्मी गीत निगार पी थे. सो इनका नाम था कतील शिफाई. सो ये इसका राइट आंसर था कतील शिफाई. ऐसे पोइट का नाम था जो फिल्मी गीत निगार से भी फेमस थे. सो कतील शिफाई ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये किन्होंने गाया था. तो नायरा नूर ये इसका राइट आंसर था, नायरा नूर. नेक्स्ट वन इज द स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स वाइल कलेक्टिंग द डाटा. सो इसका राइट आंसर था ईमेल. ईमेल ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये इसका राइट आंसर था. सो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये 3 इंडिकेटर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है एंड पर कैपिटा इनकम है. सो जो आंसर था वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था. सो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है मेरे पास, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा. नेक्स्ट इज दी विच ऑप्शन कन्वर्ट द MS वर्ड फाइल इन टू दी PDF. सो सेव एज का जो ऑप्शन हम जब करेंगे, सो जो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं MS वर्ड को PDF में. नेक्स्ट वन इज द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर इज ऑलमोस्ट 70%. 70% ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द कलर ब्लाइंडनेस पीपल आर अनएबल टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स. सो रेड ब्लू एंड ग्रीन. सो रेड ब्लू एंड ग्रीन ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज दी नैबोक का सनोनिम बताना था. सो नैबोक का मतलब होता है जो कोई बड़ा बिलियनर या मिलियनर हो. सो बिग विग ये इसका राइट आंसर था, बिग विग. नेक्स्ट वन इज दी डैश एंड इम्पोर्ट कोटास रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी. सो टैरिफ ये इसका राइट आंसर था. आई थिंक ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन इज दी सो ओपन द फाइल इन MS पावर पॉइंट वी यूज द विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज के बारे में बताना था. सो कंट्रोल प्लस ओ जब प्रेस करेंगे सो हम जो फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं पावर पॉइंट में. नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द ब्रेव फाइटर अगेंस्ट द सिकंदर लोदी अलाउद्दीन हुसैन शाह. ये इसका राइट आंसर था, अलाउद्दीन हुसैन शाह. नेक्स्ट वन इज दी ये कुछ मैथ के क्वेश्चन थे. प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 100 to 102, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज. सो 2% ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी अ पर्सन सेल गुड्स ऑन 4% एनुअली इन 2 ईयर एंड गोट द प्रॉफिट ऑफ 820 द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज दी. सो ये इसका राइट आंसर था. क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट आंसर ये था. नेक्स्ट वन इज दी फाइंड द मल्टीप्लायर ऑफ MPC 0.8. सो इसका भी आंसर है 5. इसका आंसर था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, 5 ये इसका राइट आंसर था.
So next one is the how many people got unemployed during the COVID-19. So ये भी question complete नहीं है, but इसका answer 2 million था. So that's all from today's lecture. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.